दोस्तों, मेरा नाम है गौतम। आप देख रहे हैं यूलाइक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ये 4440 एम्पलीफायरिंग के रिपेयरिंग के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ये एम्पलीफायर है, इसमें जो प्रॉब्लम है वो साउंड प्रॉब्लम है। यहाँ पे सब कुछ सही है, लेकिन इसमें साउंड नहीं देता है। हालाँकि यहाँ जो स्पीकर में आपको एम्पलीफायर करता है, लेकिन जो सॉन्ग इसमें चलता है उसमें वो साउंड नहीं देता है। तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर ऑन करके। तो यहाँ पे इसमें सप्लाई आता है, यहाँ पे वॉल्यूम पूरा फुल करने पर भी हमारा जो स्पीकर होता है उसमें सिर्फ सिर्फ जो एम्पलीफायर करता है उसका साउंड आता है। बाकी इसमें जो सॉन्ग चल रहा है, यहाँ पे सॉन्ग यहाँ पे देख रहे हैं चल रहा है, उसका साउंड इसमें नहीं आ रहा है। तो ऐसे में क्या करेंगे दोस्तों, कि हम यहाँ पर देख लेंगे कि हमारा यहाँ से साउंड कम ना हो, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये वॉल्यूम जो होता है इसका कम होने के कारण भी हमारा यहाँ पे साउंड नहीं देता है। तो यहाँ पे हमारा 50 पॉइंट है, लेकिन फिर भी हमारा आवाज़ नहीं दे रहा है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, कि दो तरह का ही फॉल्ट होता है, दो तीन तरह का। एक तो आईसी का प्रॉब्लम होता है, या ऑडियो इनपुट का प्रॉब्लम होता है। तो चलिए हम इसको खोल कर देख लेते हैं कि आईसी हमारा सही है कि ख़राब है। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, अंदर में कुछ ये इस तरीका सा दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि आईसी हिट नहीं ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि आईसी अगर ज़्यादा अगर आईसी ख़राब होती है तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। लेकिन यहाँ पे देखने से यहाँ पे ऑन करने के तुरंत बाद हमारा आईसी बहुत गर्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारा कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। ये बिल्कुल नॉर्मल जैसा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम 4440 आईसी को, दोनों को हम मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं कि सही है कि ख़राब है। ऐसे में क्या होता है दोस्तों, कि पिन में हमारा ये जो जितना पिन आपको दिख रहा है उसमें कोई भी अगर एक पिन में फॉल्ट होता है, तो उसकी वजह से हमारा 4440 से साउंड नहीं आता है। तो यहाँ पर हमारा ये हिट नहीं हो रहा है जिस तरीका से यहाँ पर दिख रहा है। तो हमें लग रहा है ये आईसी ख़राब नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल आईसी की तरह यहाँ पे ये हीट हो रहा है हल्का सा। तो ये आईसी हमारा ठीक है, लेकिन हम इसको मल्टीमीटर से हम चेक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि मल्टीमीटर से 4440 आईसी को किस तरीके से चेक करते हैं, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो बहुत आसान तरीक़ा से आप अपने मल्टीमीटर से 4440 आईसी को चेक कर सकते हैं, और 100% है कि आप उससे श्योर हो जाओगे कि हमारा आईसी ख़राब है कि ठीक है। तो चलिए हम इस आईसी को हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ये ख़राब है कि सही है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा आईसी दोनों ये सही है, और यहाँ पे हमने देखा कि जिस आईसी पे हमारा जो स्पीकर लगा हुआ है उस पर हमको इनपुट पे टच करने पर हमारा एम्पलीफायर कर रहा है, जो कि दो नंबर पिन पर जैसा कि देख सकते हैं। तो ऐसे में पता होता है दोस्तों कि हमारा ये आईसी भी सही है बिल्कुल। यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर से चेक कर लिया, ये आईसी दोनों सही है। और यहाँ पे जो जिस पे ये मैंने स्पीकर का एक कनेक्शन किया है, तो जहाँ पे ऑडियो इनपुट होता है वहाँ पे इसका ये एम्पलीफायर कर रहा है यहाँ पे टच करने पर, देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो दूसरा इसमें प्रॉब्लम होगा ये कार्ड का होगा, कि यहाँ से जो हमारा आउटपुट होता है यहाँ पे, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ऑडियो आउटपुट होता है, वो हमारा इस पर नहीं कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा एम्पलीफायर ये कर रहा है लेकिन हमारा आउटपुट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, कि हम इसको सिंपली कार्ड को हम चेंज करेंगे। तो चलिए फटाफट हम इस कार्ड को निकाल लेते हैं। अब हम इस नए वाले कार्ड को इसमें लगाकर फिर चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एंटीना का वायर इसमें हट गया है, तो इसको हम बाद में कनेक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैसेज चलिए, अब इसमें मैंने यहाँ पे सप्लाई का और यहाँ पे ऑडियो का लगा दिया है। अब हम इसमें चेक करेंगे कि हमारा इसमें साउंड प्रॉब्लम ठीक होगा कि नहीं। तो चलिए हम यहाँ पर ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा इसमें सप्लाई आ गया है, और यहाँ पे इसमें मेमोरी कार्ड ऑलरेडी लगा हुआ है। तो
तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, जो प्रॉब्लम था दोस्तों हमारा वो इस कार्ड का ही था, क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों कभी कभी कि हमारा सब कुछ इसमें सही होने के बावजूद भी हमारा जो यहाँ से आउटपुट होता है वो हमारा बंद कर देता है, ठीक है। और इसमें नॉर्मल पैनल जैसा ही इसमें लाइट आता है, लेकिन यहाँ पे आउटपुट इसमें ऑडियो नहीं दे पाता है, ठीक है। तो इसको सिंपली आप चेंज कर देने के बाद ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने जब पैनल को चेंज किया तो हमारा इसमें साउंड आना शुरू कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीका से अगर आपके 4440 में साउंड प्रॉब्लम हो तो पहले आप 4440 का आईसी चेक करें, उसके बाद अगर आईसी सही है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट पैनल को चेक करें, ठीक है। अगर पैनल में लाइट आता है उससे कोई मतलब नहीं है, अगर इसमें लाइट आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा पैनल सही है, हमारा यहाँ पर जो होता है ऑडियो आउटपुट वो हमारा ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीक़े से आप अपने 4440 एम्पलीफायर का साउंड प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।